सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज व्हील एंड टायर्स। सो इन दिस टॉपिक वी विल कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स, देयर कंस्ट्रक्शंस एंड अबाउट द इन्फ्लेशन प्रेशर। देन वी विल कवर टायर वियर एंड देयर कॉजेस एंड फाइनली वी विल कंक्लूड ऑन द retreading of the tires, that how they are retreaded. Okay, so these are the contents of our wheel and tire lecture. So first of all we should know what is wheel assembly. So hum yadi pure wheel assembly ki baat karein, so it have four different components. First one is wheel hub assembly. Okay, second is wheel, third one is tube and fourth one is tire. So hum general category ki baat kar rahe hain, to jo sabse important hota hai वो होता है आपके पास व्हील हब, और इट इज नॉट अ सिंगल पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपके लगे होते हैं, वी विल डिस्कस इट इन कमिंग अप स्लाइड्स। दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास व्हील, जो कि क्या करता है आपको आपका जो एक्सल है, जो एक्सल शाफ्ट है रोटेट हो रही है, वो आपके व्हील के साथ ही जाके अटैच होती है विद हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स, और जो उसकी बीच में शाफ्ट आ रही है वहां पर हम लोग बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थर्ड वन इज ट्यूब, तो जो ट्यूब टायर है हम इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे टायर के बारे में, तब हम पता करेंगे कि जो ट्यूब टायर है उसके अंदर एक ट्यूब होती है और बाहर की साइड में एक टायर होता है, और यदि हम इन दोनों को मिला दें, मतलब यदि दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो होता है ट्यूबलेस टायर, उसके अंदर में क्या होता है ट्यूब अलग से नहीं होती है। सो दीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन यू कैन से ऑफ व्हील असेंबली। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हील हब असेंबली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक एट दिस डायग्राम, और आपको साथ में नीचे एक क्लिप दिख रही है जिसके अंदर आपको कंटिन्यूसली ये बताया हुआ है कि किस तरह से एक जो आपके पास में टायर है वो निकलता है, उसके बाद में उसके साथ बोल्ट होते हैं, देन उसके बाद में कुछ अलग अलग पार्ट्स उससे अलग निकल रहे हैं जिसके अंदर में बियरिंग है, कैप है, देन लॉक नट है, बीच के अंदर में डिस्क है, और अंदर की तरफ भी आपके पास देख रहे हैं यहाँ पर आपको बियरिंग नजर आएगा। वेल वी विल डिस्कस दिस। So what is wheel hub assembly? First of all, we should try to understand. The wheel is located between the brake drum or disc and the drive axle. So जो wheel hub है वो क्या होता है, ये बीच का जो portion है यहाँ पर आपके पास में mounted रहता है, और एक क्या करेगा ये उसको पूरे को hold करने का काम करेगा। A wheel is bolted on it. तो जो wheel hub assembly है इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, wheel को bolt करते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो इसके पास में आपके पास बोल्ट आ रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नट से टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से व्हील हब असेंबली के एंड के ऊपर में आपका व्हील माउंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन द एंड ऑफ हब कम्स इक्विप्ड विद अ स्प्लाइन टीथ। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के व्हील्स आते हैं, और जो मेजर आते हैं उसके अंदर में क्या होता है, व्हील के बीच में स्प्लाइंस कटी रहती हैं, और जो ये स्प्लाइंस होती है इसके अंदर में वो स्प्लाइन क्या होती है, जो आपके पास में एक्सेल आती है शाफ्ट उसकी स्प्लाइन से मैच करती हैं, जिससे कि वो लगातार रोटेट हो सके। The axle hub spins along with the wheel bolted to it and provides the power to the wheels in order to rotate. ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सेल घूमती है वैसे वैसे क्या होता है आपका व्हील रोटेट होता है, और जो एक्सेल के अंदर में पावर थी वो क्या होती है, व्हील को ट्रांसफर होती है। सो दिस इज हाउ योर व्हीकल मूव्स ऑन। अ रोलर बियरिंग बिटवीन द एक्सेल हब एंड एक्सेल शाफ्ट एंश्योर इजी रोटेशन ऑफ नॉन ड्राइव व्हील्स। तो क्या होता है, जो ऐसे भी एक्सेल होते हैं, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था डेड एक्सेल होता है और एक लाइव एक्सेल होता है। लाइव एक्सेल के अंदर में तो आपको क्या होता है, पावर मिल रही होती है और वो घूमती है इसलिए व्हील घूमता है, लेकिन यदि मान लीजिए डेड एक्सेल है और उस एक्सेल को नहीं घूमना है लेकिन व्हील को घूमना है, तो हम उसके बीच में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आपके पास में एक बियरिंग लगा के रखते हैं, और वो बियरिंग क्या इंश्योर करता है कि आपका व्हील तो घूमे लेकिन आपके पास एक्सेल नहीं रोटेट हो। सो दिस विल हैपन इन योर डेड एक्सेल टाइप माउंटिंग्स। ऑन द एक्सेल साइड इट इज माउंटेड टू द होल्डिंग ब्रैकेट फ्रॉम द चेजेस। ऑन द डिस्क साइड द व्हील इज माउंटेड टू द बोल्ट ऑफ द WHA। ठीक है, WHA क्या है, व्हील हब असेंबली। तो इसके हमने दोनों एंड की बात करी, एक एंड पे तो आपका व्हील लगा हुआ रहता है और दूसरा एंड क्या होता है, ब्रैकेट के साथ में कनेक्टेड होता है चेजेस से, तो जहां पर भी डेड एंड होता है वहां पर इस तरीके से माउंटिंग होती है। वेन रिप्लेसिंग अ व्हील हब असेंबली शुड बी टॉर्क to the wheel specifications to prevent failure. तो हमारे को क्या करना है, जो wheel hub assembly है या WHA है इसके अंदर इतनी strength होनी चाहिए कि ये torque को transfer कर सके without any failures. तो अब हम यदि बात करें इसकी components की, तो आप इस diagram में देख सकते हैं
सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये कवर है। तो हमने लास्ट टाइम में भी जब स्टब एक्सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम सबसे ऊपर कवर लगाते हैं और वो कवर प्रिवेंट करने के लिए होता है क्योंकि अंदर ग्रीस होती है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर एक कैसल नट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉशर लगा हुआ है। देन वी हैव आउटर बियरिंग, और आउटर बियरिंग को केस करने के लिए हमने आउटर रेस यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये रोलर बियरिंग है और इसके ऊपर में हमने केसिंग यूज की हुई है। ये बियरिंग आपका आगे से लगेगा, इसी तरीके से अंदर की तरफ से भी बियरिंग लगेगा। तो सबसे पहले केसिंग लगेगी इनर रेस, और उसके बाद में आपको लगेगा इनर बियरिंग, और उसके बाद में आपकी लगेगी सील। ये सील क्या करती है, आपके प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो आपके पास में इसमें ऑयल यूज कर रहे हैं या ग्रीस यूज कर रहे हैं उसको आगे जाने से रोकने के लिए, क्योंकि ये जो बियरिंग होता है ये कम्प्लीटली ग्रीस में डिप रहता है। तो ये आपके पास में इसका कंस्ट्रक्शन है, और आई होप यहाँ पर आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि वन बाय वन ये सारी चीजें इसके अंदर में फिट होती हैं और ये इसका सीक्वेंस रहता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सेकंड की यदि हम बात करें, सो सेकंड जो बात थी वो थी व्हील की। तो देखिए एक चीज आपको क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जनरल लोग डाउट करते हैं कि बोलते हैं ये व्हील है ये टायर है, तो व्हील और टायर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो व्हील क्या होता है, मेटेलिक पोर्शन होता है जो कि आपके टायर को सपोर्ट करता है। हम लोग कई बार सिंपल भाषा में रिम भी बोल देते हैं, लेकिन रिम भी पूरा व्हील नहीं होता है, रिम व्हील का आउटर पोर्शन होता है, ठीक है। सो ये व्हील कुछ इस तरीके का दिखता है, और अभी हम इनके आगे क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज व्हील। अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ हार्ड मटेरियल दैट मे बी सॉलिड, पार्टली सॉलिड और स्पोक्ड, एंड दैट इज कैपेबल ऑफ टर्निंग ऑन एक्सल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कुलर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, बहुत हार्ड मटेरियल का होना चाहिए जो कि उसकी स्ट्रेंथ ले सके, लोड ले सके, और ये पूरा सॉलिड भी हो सकता है, मतलब कि पूरा सिंगल फ्रेम में भी हो सकता है, पार्टली सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि कहाँ कहीं से ये सॉलिड है और कहीं कहीं से हमने इसके अंदर में होल कर रखे हैं। तीसरा हम लोग कह सकते हैं स्पोक्ड हो सकता है, स्पोक्ड मतलब आपने देखा होगा ताड़ी वाला, यानी कि जिसके अंदर में जैसे साइकिल का होता है, तो साइकिल में क्या होती है, स्पोक्स लगी होती है, यानी कि छड़े लगी होती है, ठीक है, मेटल की, तो वो भी आप व्हील में काम में ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब डिपेंड करता है कि कितने लोड के लिए आप व्हील को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको व्हील चुनना पड़ता है। देन सेकंड इज व्हील मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट द व्हीकल एंड विदस्टैंड द फोर्सेस कॉज्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हीकल का खुद का वजन, यानी कि उसका खुद का लोड किसको बियर करना पड़ेगा, आपके व्हील को, साथ ही साथ में जो डिफरेंट फोर्सेस आ रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस कौन से हो सकते हैं, इट मे बी डायनेमिक, इट मे बी स्टैटिक, ठीक है। सो इट शुड बी बैलेंस्ड स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। तो कहने का मतलब है कि हमारे फोर्सेस को ये बियर कर सके, साथ ही साथ ये बैलेंस रहे, दोनों बातें डिफरेंट है। तो विथस्टैंड करने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि विथस्टैंड तो कर रहा है लेकिन बैलेंसिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाए, वो व्हील भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे को चाहिए कि वो जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं, जितने भी टॉर्क आ रहे हैं, उन सबको बियर करेगा, साथ ही साथ में वो स्टैटिकली और डायनेमिकली बैलेंस रहेगा। व्हाट डज इट मीन, स्टैटिकली बैलेंस का मतलब है कि यदि गाड़ी नहीं चल रही है उस कंडीशन में उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो बैलेंस है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, आप यहाँ पर एक ये व्हील देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली है पूरी रिम के अंदर में, और पूरी सिमेट्रिकल शेप में हम बात करें तो आपके पास जो बैलेंस है वो प्रॉपर है। यदि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कहीं से भी ये व्हील का बैलेंस खराब हो जाता है, मान लीजिए खराब कैसे हुआ कि मान लीजिए यहाँ से कोई पत्थर लगा और यहाँ से ये मुड़ गया, और इसका वेट जो था वो यहाँ से मूव होकर के थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इस पूरे व्हील की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब ये चलेगा तो वेट जो है वो किसी और पॉइंट पे शिफ्ट होने की वजह से क्या करेगा, इसमें आपको अलग सी वाइब्रेशंस मिलेंगी, अलग सा नॉइस मिलेगा, ठीक है। सो इट शुड बी स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली बैलेंस्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन दे मस्ट बी एज लाइट एज पॉसिबल टू हेल्प अनस्प्रंग वेट टू अ मिनिमम। तो हमारे लिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है व्हील की, वो होती है कि इनका वजन जो होता है, इनका वेट बहुत लाइट होना चाहिए, जितना लाइट होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो हम दो बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि लाइट होना चाहिए। तो दोनों एक साथ संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने कई सारे आगे डिफरेंट टाइप्स के व्हील को डेवलप किया है, वो हम डिस्कस करेंगे। वेट कम होने का एक कारण तो आपके पास क्या हुआ कि यदि व्हील के पास वेट कम है तो ओवरऑल गाड़ी का जो वेट है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 किलो एक व्हील के अंदर में आपने वेट रिड्यूस कर दिया, तो टोटल 4 व्हील लगे हुए हैं,
तो आपके पास टोटल गाड़ी का लोड क्या हो गया, 8 किलो कम हो गया, और 8 किलो गाड़ी का कम होते ही आपकी माइलेज कम से कम 1-2% तक वेरी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू रिड्यूस द वेट। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए जितना कम से कम वेट रख सकते हैं, प्लस स्ट्रेंथ को हमको नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, स्ट्रेंथ तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अनस्प्रंग वेट। अनस्प्रंग वेट क्या होता है, यदि ये ज्यादा वेट होगा, बल्कि होगा, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब भी यदि ये किसी भी रोड सरफेस पर चलेगा और बम्प आएंगे या पिट आएगा, तो क्या होगा, ये जो व्हील है ये क्या करेगा, इसमें जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, स्प्रिंगिंग एक्शन करेगा। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम स्प्रिंगिंग एक्शन रखें, तो हमारे को इसका वेट कम से कम रखना पड़ेगा। तो दैट इज योर अनस्प्रंग वेट, ठीक है। देन माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग शुड बी इजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गाड़ी में जब हम व्हील को लगा देते हैं तो उसको वापस खोलना हो, मान लीजिए पंचर हो गया या हमें कुछ और कारण से इसको खोलना है, तो इसकी माउंटिंग और अनमाउंटिंग दोनों ही इजी होनी चाहिए। यानी इस पे इसका जो नट बोल्ट का सिस्टम है वो क्लियरली विजिबल हो और इजीली उसके अंदर टूल लग सके। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका डिजाइन कि आपने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो काफी अंदर घुस गया है, आपके टूल्स प्रॉपरली उसको काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग शुड बी इजी। देन नॉट डिटोरेट विद वेदर एंड टाइम, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर शुड बी टेकन। तो देखिए इसमें हम बात करें मटेरियल की, तो हमारा जो भी व्हील का मटेरियल है हम कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए व्हील को बना रहे हैं, किस कंडीशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी वेदर कंडीशन में डिटोरेट नहीं हो, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिग्रेड नहीं हो। तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा, बाई चांस यदि हम किसी वजह से वो मटेरियल नहीं ले पा रहे, मान लीजिए हम कहते हैं अलॉय का लेना चाहिए, उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन सस्ता होने के कारण हमारे को हमने स्टील ले लिया या हमने कोई और मटेरियल ले लिया और मान लीजिए उसमें रस्टिंग आ रही है, तो हमें चाहिए कि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें कि उस पर रस्टिंग नहीं आए। ट्रीटमेंट मतलब उसको पेंट करें, उसको हम लोग गैल्वेनाइज करें, उसको हम ट्रीट करें, कुछ भी हम उसमें ऑपरेशन करें, लेकिन हमें चाहिए कि वो आपका रस्ट प्रूफ रहे या कोई भी वेदर से वो डिटोरेट नहीं हो, या टाइम के साथ, मान लीजिए 6 साल तो वो सही चला लेकिन 7वें साल से मालूम चला कि वो किसी तरह से उसके अंदर में मटेरियल की प्रॉपर्टी डिटोरेट होने लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन द लास्ट इज व्हील कैन बी मेड फ्रॉम प्रेस्ड स्टील, कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय एंड मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है। तो ये तीन बहुत मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मटेरियल हैं, वो ये हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे वाइडली जो यूज होते हैं व्हील, वो है प्रेस स्टील के। यानी आप जितनी भी अभी गाड़ियां देखते हैं 99% जो गाड़ियां हैं उनके अंदर में आपको प्रेस स्टील ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे सस्ते हैं और सबसे मजबूत हैं, राइट। सेकंड होता है कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय। ये आपको अभी जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं या जो फैशनेबल जो राइडर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए जिनको एवरेज और ज्यादा चाहिए, पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो लोग ज्यादातर कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय या फिर मैग्नीशियम अलॉय के व्हील्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कार्बन फाइबर के भी व्हील बनाते हैं, वो भी रिसेंट व्हील के अंदर में डिजाइन में है, लेकिन वो बेसिकली कुछ हाई रेसिंग कार्स में यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर व्हील्स। यदि हम पार्ट्स की बात करें व्हील्स के, तो आप देखेंगे कि जो ये पार्ट है सबसे अंदर का पार्ट, दिस इज कॉल्ड रिम, ठीक है। देन आप यहां पर देखेंगे सेकेंड इज सेंटर होल, तो बीच का जो आपको होल दिख रहा है ये कहलाता है सेंटर होल, ठीक है। देन वी हैव व्हील डिस्क, तो जो ये पोर्शन है यानी बाहर का तो रिम कहलाती है, और जो रिम को अंदर से जोड़ती है उसको बोलते हैं हम डिस्क, तो ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, और बाहर वाली रिम है। देन वी हैव माउंटिंग होल्स। माउंटिंग होल्स का मतलब क्या है, ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हब के साथ में टाइट करेंगे, इनको नट के साथ में हम लोग अटैच करेंगे, तो ये जितने भी होंगे होल्स इनके अंदर में से बोल्ट आएंगे और हमें नट लगाना पड़ेगा, तो दीज आर कॉल्ड माउंटिंग होल्स। एंड देन लास्ट वन इज वेंटिलेशन होल, तो ये जो आपको होल दिख रहे हैं इनका पर्पस क्या होता है, इनके दो पर्पस हैं, एक तो है कि जो भी हवा है वो अंदर से बाहर की तरफ वेंटिलेट आराम से कर सके, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा, यानी जब जब ब्रेक लगाते हैं आप गाड़ी में तो क्या होता है, हीट डिसिपेट होती है। इसी तरीके से जब आपका व्हील काफी लंबे रास्ते पे चलता है तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टायर आपका बहुत हीटअप हो जाता है। आप कभी 2-3 घंटे गाड़ी चला करके उसके टायर को टच करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है, तो वो हीट क्या होगी, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एयर है उसमें भी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो आपकी हीट जो है वो लगातार एटमॉस्फेयर से डिसिपेट करता रहे, तो हम लोग ये होल्स को क्रिएट करते हैं। साथ ही इन होल से एक फायदा ये होता है कि इसका जो वजन है वो कुछ हद तक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वजन भी ये क्या करता है, ये होल्स रिड्यूस करता है। सो दीज आर द डिफरेंट
nomenclatures in your wheel. Now let's move ahead. यदि हम बात करें type of wheels की, तो हम दो category में बांट सकते हैं classification को. First is on the basis of wheel material. तो wheel material के base पे यदि हम बात करते हैं, तो अभी हमने just बात करी कि हम steel के जो press steel होती है, उसके wheel बना सकते हैं. और यही सबसे ज्यादा popular है आज की date के अंदर. Second is your aluminium alloy. यहाँ पर मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के हम अलॉय यूज कर सकते हैं, ये काफी लाइट वेट होते हैं, राइट. और थर्ड वन इज कार्बन फाइबर. तो ये कार्बन फाइबर के भी जो आपके पास व्हील हैं, वो डिजाइन होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत कम, क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको बहुत कम यूज करते हैं नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियों के लिए, ठीक है. तो हम बात करें यदि स्टील व्हील की, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टील व्हील्स आर द लीस्ट एक्सपेंसिव व्हील ऑप्शंस. तो अभी हमने बात करी कि सबसे सस्ता जो व्हील होता है वो होता है स्टील, प्रेस्ड स्टील का बना हुआ व्हील, समटाइम्स रेफर टू एज स्टीलीज. दीज व्हील्स हैव बीन यूज्ड फॉर इयर्स. तो बहुत सालों से जो आ रहे हैं वो स्टील के व्हील्स आपको मिलेंगे, और स्टीलीज भी इनको बोलते हैं. स्टील व्हील्स आर ड्यूरेबल एंड इजी टू रिपेयर इफ डैमेज. तो ये इसका एक बहुत फायदा है कि बहुत ड्यूरेबल होते हैं, मतलब बहुत आराम से ये क्या होता है, डैमेज नहीं होते हैं बहुत जल्दी से, ये डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं बहुत जल्दी से, इनमें बैंड नहीं होता है, तो ये इसके कारण है. और यदि हो भी जाता है तो उनका रिपेयरिंग बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, तो ये इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज है. सेकंड इज अनफॉर्चुनेटली स्टील व्हील्स आर नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन. यदि हम बात करेंगे कि लोग पसंद करते हैं क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, पसंद के मामले में हम लोग इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. इसकी क्वालिटी अच्छी है, मान लेते हैं, रेट कम है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है. व्हाइल मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स यूज स्टील व्हील्स, दे टिपिकली कवर देम विद व्हील कवर्स. तो क्या होता है, उसको वो इतने सुंदर नहीं लगते हैं, तो क्या करते हैं ज्यादातर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि यदि वो अलॉय व्हील लगाते हैं तो उसकी रेट बहुत बढ़ जाती है, तो उस दोनों चीजों को जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टील व्हील लगाते हैं, और उनको ऊपर से जो डिस्क कवर आते हैं, आपके पास आपने देखा होगा व्हील कैप आते हैं, व्हील कवर बोलते हैं, वो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के आते हैं, तो आप स्टील व्हील ही लगाते हैं और ऊपर से कवर लगा देते हैं, तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, अंदर वो क्या होता है, स्टील होता है. आपको एक अंदाजे के लिए मैं बता दूं कि क्यों डिफरेंस है इतना, तो आपको लगभग लगभग आप मान लीजिए कि यदि हम नॉर्मल 8 से 10 लाख तक की गाड़ियों की बात करें, तो उसकी एक व्हील प्रेस्ड स्टील की लगभग लगभग 2000 रुपए पर पीस आ जाती है, यानी एक व्हील की जो कॉस्ट है इस प्रेस स्टील की लगभग 2000 रुपए के आसपास रहती है, 15 इंच 14 इंच के आसपास. यदि वही चीज आप बोलते हैं मुझे अलॉय स्टील में चाहिए, सॉरी अलॉय में चाहिए, अलॉय व्हील चाहिए, तो 9 से 10 हजार रुपए के आसपास में आपकी एक व्हील की कॉस्ट जाती है. तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके चारों जो व्हील थे वो 8 हजार में आ गए थे, और वही चारों व्हील जाकर के आपके 36 से 40 हजार रुपए में आ रहे हैं. तो 36 to 40,000 rupees बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और उससे ओवरऑल आपकी गाड़ी की रेट बढ़ जाती है. तो हमेशा मैन्युफैक्चरर जो होता है वो चाहता है कि आपकी रेट कम रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सकें, ठीक है. जिनको ऑप्शन चाहिए, जिनको फिर भी पसंद है, मान लीजिए 1000 में से 10 कस्टमर ऐसे हैं जिनको अलॉय व्हील चाहिए, तो वो ऑप्शन उनको दे देते हैं. लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो जनरली व्हील लगाते हैं वो कौन से लगा देते हैं, वो हमेशा प्रेस स्टील के ही लगाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स रियलिस्टिक सिचुएशन. गुड व्हील कवर्स कैन मेक स्टील व्हील लुक्स अ लॉट लाइक अलॉयज, बट बैड व्हील कवर्स लुक्स लाइक चीप प्लास्टिक. तो इसमें भी दो चीजें हैं कि देखिए दो क्वालिटी के कवर्स आते हैं. एक यदि आप प्रीमियम कवर लगाते हैं तो बिल्कुल वो अलॉय व्हील जैसे नजर आते हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं व्हील कवर्स. लेकिन यदि आप सस्ते वाले व्हील कवर लगाते हैं तो उनके ऊपर में क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक से बनाते हैं और उसके ऊपर में कुछ प्लेटिंग करते हैं क्रोम की और डिफरेंट मटीरियल की, जिससे कि उनका लुक अच्छा हो. लेकिन चीपर जो मटीरियल होता है वो दूर से दिखता है कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है. सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कस्टमर. अनदर अनफॉर्चुनेट डाउनसाइड ऑफ स्टील व्हील इज हाउ हैवी दे आर. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टील व्हील जो हम सारी कैटेगरी में बात कर चुके हैं, उसमें सबसे भारी जो होता है वो स्टील व्हील ही होता है, राइट. स्टील व्हील्स आर बाय फार द हैवीएस्ट व्हील ऑप्शंस. तो जितने भी हम व्हील्स देखते हैं उनमें सबसे जो हैवी होता है वो स्टील व्हील ही होता है. देयर आर टाइम्स When a set of heavy, durable wheels is exactly what you want. तो आपको ध्यान होगा आज के 10 साल 20 साल 30 साल पहले की यदि हम बात करें, हमारे पेरेंट्स की बात करें और हमारे ग्रैंडफादर्स की बात करें, तो होता ये था कि उनको चाहिए था मजबूत, उनको चाहिए था भारी, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पेट्रोल कितना चलता है, डीजल कितना चलता है, बिकॉज उस टाइम पे पेट्रोल डीजल की रेटें 5 रुपये लीटर 10 रुपये लीटर हुआ करती थी,
और उनको उससे मतलब नहीं था, उनको गाड़ी हैवी चाहिए थी, अच्छी चाहिए थी, लेकिन बाय द पासिंग ऑफ टाइम अब क्या होने लग गया है, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दी लाइटर साइड, हमें गाड़ी में एवरेज चाहिए, हमको गाड़ी लाइट वेट चाहिए. सो दिस इज द चेंजेस एंड दैट टाइम इज व्हेन इट्स स्नोइंग. मैनी पीपल केप्ट अ सेट ऑफ स्टील व्हील्स अराउंड जस्ट फॉर द विंटर मंथ्स. द वेट हेल्प्स योर कार टायर्स टू डिग इनटू द स्नो इंप्रूविंग ट्रैक्शन. तो देखिए कुछ लोग जो हैं कुछ इंडिया में, यदि हम नॉर्थ की बात करें तो हमारे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो स्नोई पार्ट है जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम रशिया के बहुत सारे रीजन्स की बात कर सकते हैं, हम स्विट्जरलैंड की बात कर सकते हैं, या फिर यूएस की बात कर सकते हैं जहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने तक स्नो रहती है काफ़ी एरियाज में, या फिर हमारे भी नॉर्थ पार्ट में यदि हम ऊपर हिमालयस की तरफ की बात करें तो वहाँ की बात कर सकते हैं. तो वहाँ पर क्या है, लोग इसको एज ए ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन मतलब कि वो उनको पसंद है अलॉय व्हील्स, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं स्टील व्हील्स को रखते हैं कि जब स्नो गिरती है तो वो क्या करते हैं अपने अलॉय व्हील्स को हटा करके स्टील व्हील फिट कर देते हैं. उससे क्या होता है, वजन भारी हो जाता है और ट्रैक्शन बढ़ जाता है. हमने ये लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था कि वजन जब गाड़ी में ज्यादा होता है तो ट्रैक्शन अच्छा होता है, यानी कि पकड़ अच्छी होती है, गाड़ी अच्छे से मूव कर पाती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन के रूप में यूज होने लगा स्टील व्हील, लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा पसंद आता है अलॉय व्हील्स या फाइबर व्हील्स. राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड. वी हैव सेकंड इज अलॉय व्हील्स. तो अलॉय व्हील्स के बारे में आपने काफी सुन रखा होगा, देखा भी होगा, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अलॉय व्हील मिक्स मल्टीपल मेटल्स टू गेन द एडवांटेज ऑफ ईच. तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास में अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे पास में डिस्क व्हील था और दूसरा स्पोक व्हील था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. तो जो डिस्क व्हील होता है उसमें क्या होता है, मजबूती ज्यादा होती है लेकिन वजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बीच के अंदर में डिस्क लगी होती है. और स्पोक्स यानी जैसे साइकिल के टायर होते हैं, पहिए होते हैं, उसके अंदर स्पोक्स लगी रहती हैं, उसमें वजन तो बहुत कम होता है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कम होती है. तो हमने क्या किया, उन दोनों को मिक्स करके अलॉय व्हील बनाया. कैसे बनाया, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एक बार आपको ये आगे का कुछ देखिए, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा. तो ये है प्रेस स्टील व्हील. ठीक है, प्रेस स्टील व्हील क्या होता है, इसमें पूरा स्टील लगा हुआ होता है. ठीक है, और दूसरी तरफ में हम बात कर रहे हैं वायर या स्पोक व्हील की. तो इसमें क्या होता है, बहुत कम मटेरियल होता है लेकिन वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, लाइट वेट होता है लेकिन स्ट्रेंथ कम ले पाता है. तो हमने क्या किया, अलॉय व्हील में इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि हमें चाहिए स्ट्रेंथ भी, हमें चाहिए वेंटिलेशन भी और लाइट वेट भी. तो हम जब तीनों को मिला देते हैं तो क्या करते हैं, हम रिम भी देते हैं और उसके साथ ड्रम भी देते हैं, और ये जो मटेरियल होता है ये पूरा का पूरा अलॉय होता है. ठीक है, तो अभी हम जब डिटेल में देखेंगे इसको, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सो हमने क्या किया, उन दोनों के एडवांटेज को गेन कर लिया. इससे हमारे को फायदा क्या हुआ कि ये लाइट वेट भी होते हैं साथ ही साथ में मजबूत भी होते हैं. वन ऑफ द प्राइमरी मेटल यूज फॉर दिस इज एल्यूमिनियम. सो दीज आर समटाइम्स रेफर्ड एज एल्यूमिनियम रिम्स. तो हम लोग कई बार इसको एल्यूमिनियम व्हील भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम रिम भी बोलते हैं. सिमिलरली मैग्नीशियम इज अनदर पॉपुलर कंपोनेंट. तो हम लोग मैग्नीशियम भी यूज करते हैं, हालांकि मैग्नीशियम व्हील हम लोग जनरली नहीं बोलते हैं, लेकिन मैग्नीशियम इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट यूज इन अलॉय व्हील्स. ओके, अलॉय व्हील्स आर लाइटर देन स्टील व्हील्स. ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है अलॉय व्हील का, कि ये लाइट वेट होते हैं. यदि हम वजन कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा आपके स्टील व्हील में और अलॉय व्हील में. देयर वेट मेक देम मोर डिजायरेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस ड्राइविंग. तो हमारे पास हमने बात करी लाइट व्हील से क्या फायदा होता है, एक तो आपके पास गाड़ी का ओवरऑल वेट कम हो गया, वेट कम होने से क्या हो गया, आपकी माइलेज बढ़ गई, आपकी इफिशियंसी बढ़ गई, आप चाहें तो स्पीड भी आप ज्यादा ले पाते हैं. तो ये सारी चीजें हमें अलॉय व्हील पे मिल जाती है. अलॉय व्हील आर ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड मोर अट्रैक्टिव. और देखने की यदि हम बात करें, लुक्स की बात करें, तो अलॉय व्हील बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं. यदि अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं अलॉय व्हील आप बात करेंगे तो हम डायमंड कट की बात करते हैं, तो डायमंड कट जो व्हील्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में मिलते हैं आपको. ओके, देन वी हैव अलॉय व्हील्स हैव बेटर हीट डिसिपेशन. तो ये एक बहुत अच्छा इसके अंदर में एडवांटेज है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ब्रेक फेलियर फ्रॉम ओवर हीटिंग. तो जो हमने पहले बात करी थी प्रेस स्टील की, उसमें क्या होता है, मटेरियल इतना ज्यादा होता है कि जो अंदर की हीट होती है वो प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पाती है. दूसरा यदि हम बात करें हीट ट्रांसफर कोफिशियंट की, एक एल्यूमिनियम की और साथ ही साथ में स्टील की, तो आपको खुद मालूम है कि आपका जो अलॉय है वो ज्यादा अच्छे से हीट को डिसिपेट कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है. तो अलॉय व्हील जो होते हैं वो काफी जल्दी ठंडे हो जाते हैं और जो हीट है उसको रिमूव कर देते हैं एटमॉस्फेयर से. तो इसकी वजह से जो ब्रेकिंग होता है दैट इज कॉल्ड हार्ड ब्रेकिंग. यदि आपने क्या किया, किसी वजह से हार्ड ब्रेकिंग यूज करी है, किसी कोई सामने आ गया, आपने बहुत तेजी से ब्रेक मारे हैं,
तो उसकी वजह से जो हीट डेवलप हो रही है उसकी वजह से क्या होता है आपका ब्रेक फेल हो सकते हैं, लेकिन एलॉय व्हील में उसके चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज हीट डिसिपेशन इज मच मच मोर बेटर. ओके, देन बिकॉज ऑफ द वे दे आर मैन्युफैक्चर्ड एलॉय व्हील कैन हैव मोर इंट्रिकेट डिजाइन देन स्टील व्हील्स, दे ऑल्सो हैव ए वाइडर वेराइटी ऑफ फिनिशेस. तो देखिए यदि हम बात करें दोनों के मैन्युफैक्चरिंग की, तो एलॉय व्हील जो होते हैं उनके अंदर में आप कई शेप्स को डिजाइन कर सकते हैं, कई तरीके से उसको मोड़ सकते हैं बिकॉज मटेरियल बहुत सॉफ्ट है. ठीक है, तो मान लीजिए आप सीएनसी पर भी एक व्हील को बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके नॉर्मल टूल से भी आप एलॉय को आराम से क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको मशीन कर सकते हैं. लेकिन उसी की जगह यदि हम स्टील की बात करें तो उसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए, उसके लिए हैवी इक्विपमेंट चाहिए, वो आपके लैब में या नॉर्मल जगह नहीं बन सकता है क्योंकि मटेरियल बहुत स्ट्रांग है. तो क्या होता है उससे आप नई नई शेप्स नई नई डिजाइन नहीं दे सकते हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं किसमें, स्ट्रेस स्टील में. लेकिन एलॉय व्हील आप देखेंगे तो उसमें एक से एक अच्छी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उस पर ऑपरेशन करना आसान होता है, उस पर टूलिंग करना आसान होता है. ओके, सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एलॉय व्हील. अगेन द वर्सेटिलिटी ऑफ एलॉय व्हील मेक्स देम द बेटर चॉइस फॉर मोस्ट ड्राइवर्स. तो यदि आप ड्राइविंग करते हैं और ये सारे फायदे आप देखना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप प्रीफर करते हैं कि एलॉय व्हील आपके पास होना चाहिए. बस सिर्फ एक ही चीज होती है इसमें प्रॉब्लम, दैट इज मोर कॉस्ट. यदि आपके पास पैसा है तो आप एलॉय व्हील लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन फाइबर व्हील की. कार्बन फाइबर व्हील्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड अट्रैक्टिव. तो अगेन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एलॉय व्हील के बाद में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इससे आपके व्हील्स बनते हैं, लाइट वेट बनते हैं और अट्रैक्टिव बनते हैं. दे आर ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हील्स ऑन द मार्केट. यदि हम बात करें सबसे महंगे व्हील यदि हम ढूंढेंगे तो कार्बन फाइबर के ही व्हील आपको सबसे महंगे मिलेंगे. इफ डैमेज कार्बन फाइबर व्हील कैन नॉट बी रिपेयर्ड द वे स्टील एंड एलॉय व्हील्स कैन बी. तो यदि मान लीजिए आपके पास दोनों व्हील्स थे, किसके, प्रेस स्टील के या एलॉय व्हील के, वो किसी वजह से डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर कर सकते हैं, बट कार्बन फाइबर के व्हील्स रिपेयरेबल नहीं होते हैं, राइट. तो इट इज अगेन अ डिसएडवांटेज फॉर इट. दिस मींस दैट द आउटसाइड ऑफ शेल्बी जीटी 350R और अ सीरियस परफॉर्मेंस कार, यू आर अनलकी टू सी कार्बन फाइबर व्हील्स. एज द कॉस्ट ऑफ कार्बन फाइबर प्रोडक्शन डिक्लाइंस, दे विल लाइकली टू सर्ज इन द पॉपुलरिटी. तो अभी जो है बहुत प्रीमियम जो गाड़ियां हैं, जो प्रीमियम रेसिंग कार्स हैं, वहीं पर ही हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है टाइम के साथ में इसकी रेटें डिक्रीज हों, और रेट डिक्रीज होंगी तो ये आने वाले समय में काफी पॉपुलरिटी गेन कर सकता है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी.